मैकल पर्वत श्रृंखला से लगे शहडोल जिले के लखबरिया धाम में कांवड़ियों की धूम है। अमरकंटक से नर्मदा जल कांवड़ में लाकर प्रसिद्ध लखबरिया के शिव मंदिर में चढ़ाने के लिए होड़ मची हुई है। लखबरिया धाम की प्रसिद्धता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग सावन के महीने में जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ विराजमान शिवलिंग उज्जैन महाकाल में स्थित महादेव की ही तरह दिखाई देते हैं। लखबरिया में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई भी बिल्कुल महाकाल की तरह दिखाई देती है। लखबरिया धाम के पुजारी के अनुसार यह शिवलिंग द्वापर युग के हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ तीन और ऐसे ही प्राचीन शिवलिंग हैं, छह भागों में विभाजित हैं। शिवलिंग मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर में विराजे भगवान शिव की प्रतिमा अद्वितीय और अलौकिक है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि शिवलिंग के तीन भाग दाहिने ओर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है, जबकि दूसरी ओर बाईं ओर माता पार्वती, काली और सरस्वती का वास है। वहीं शिवलिंग के सामने हिस्से में भगवान गणेश का वास है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर के बाहर विराजे नंदी बाबा के कान में भक्त अपनी समस्या सुनाकर मनोकामना की मांग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बाबा लोगों की मनोकामना मंदिर में विराजे अर्धनारीश्वर भगवान शिव पार्वती तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बनारस बाबा भोलेनाथ की नगरी से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ एमपी के शहडोल जिला में लखबरिया महादेव मंदिर दर्शन प्राप्त करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ की बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ पे अर्धनारीश्वर महादेव की बहुत ही अच्छी मूर्ति है स्थापित की गई है। यहाँ आधे पार्वती जी हैं और आधे शिव जी विराजमान। अमरकंटक से हम लोग 80 किलोमीटर चल के आए हैं लखबरिया धाम और कांवड़ में जल लेकर शिव जी यहाँ लखबरिया धाम में है। माना जाता है कि आधा शिवलिंग और पार्वती माता है, उसमें जल चढ़ाते हैं। और मैं शहडोल जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक लखबरिया स्थान है, फेमस स्थान है जो धार्मिक स्थल, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। आपको जानकारी कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ सावन में कांवड़ यात्रा चलता है अमरकंटक से लखबरिया के लिए। ये करीब 80-82 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब